दोस्तों अगर आपके यहाँ धौवा का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या धौवा का जो है डीवीआर लगा हुआ है या आपने धौवा का सेटअप लगाया हुआ है अपने यहाँ, तो आप उसको कैसे मोबाइल पे अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने धौवा के कैमरे को या तो आपके पास धौवा का डीवीआर हो या धौवा का आपके यहाँ सेटअप लगा हो तो उसको आप फ़ोन पे इजीली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और धौवा का जो कैमरा होता है वो आपका किस सॉफ्टवेयर पर रन करता है वो भी आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपके यहाँ धौवा का कैमरा या धौवा का सेटअप लगा हुआ है तो आप उसको मोबाइल पे इजीली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आप अपने डीवीआर को धौवा के डीवीआर को कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। कैमरे को ऑनलाइन करने के लिए डीवीआर को ऑनलाइन करने के लिए आपको इस टाइप का एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है उससे भी आप लाइन के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 4G राउटर है, मैं उससे आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, और उसके साथ एक लाइन केबल है। तो लाइन केबल को क्या करना है, आपको आपका जो राउटर है उसके पीछे लाइन केबल जो है उसको आपको इंसर्ट कर देना है। तो क्या करना है, आपको लाइन केबल का एक छोर जो है वो आपको अपने राउटर में लगा देना। आपके पास कोई भी राउटर हो, 4G राउटर हो या आपके पास फाइबर कनेक्शन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उसके राउटर के लैन पोर्ट में आपको लाइन लगा देना है, लाइन केबल लगा देना है, और दूसरा लाइन केबल का छोर जो है वो आपको डीवीआर के पीछे आपको लाइन पोर्ट मिल जाएगा, तो डीवीआर के पीछे आपको लाइन पोर्ट में लगा देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा छोर आपको अपने DVR के लाइन में लगा देना है, लाइन पोर्ट में। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है माउस से, फिर उसके बाद आपको मेन मेन्यू में जाना है। मेन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन मांगेगा, तो आपको पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करके ओपन कर लेना है। अगर आपको वहाँ पे पासवर्ड मांगता है तो आप वहाँ पे अपना DVR का जो भी पासवर्ड है वो इंसर्ट करके अपने DVR में आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नेटवर्क का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर देखेंगे आपको TCP/IP का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं, लाइन केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको TCP/IP में जाके यहाँ पे मॉडिफाई का यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिया होगा, और यहाँ पे आपको IP एड्रेस दिया होगा, तो आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे DSCP का जो ऑप्शन है वहाँ पे, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको अनेबल कर देना है, और फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद एक बार यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अगर आप वाईफाई डोंगल से अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आप वाईफाई डोंगल से कनेक्ट कर रहे हैं अपने DVR को, तो इस वाले ऑप्शन में जाके आपको वाईफाई कनेक्ट करके अप्लाई करना है, ठीक है। तो लाइन केबल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए आपको TCP/IP में ही जाना पड़ेगा। तो फिर से आप देखेंगे TCP/IP में गए थे तो यहाँ पे IP एड्रेस जो पहले का था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद DSCP अनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में P2P का ऑप्शन मिलेगा, तो P2P के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। P2P के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अनेबल का जो ऑप्शन है यहाँ पे अनेबल होना जरूरी है, अगर ये डिजेबल होगा तो ये आपका DVR ऑनलाइन नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेटस में ऑनलाइन भी दिखा रहा है, और यहाँ मोबाइल क्लाइंट का ऑप्शन दे रहा है स्कैन टू डाउनलोड, और यहाँ पे डिवाइस का सीरियल नंबर दे रहा है कि आपको अगर अपने डिवाइस को ऐड करना है तो इसको स्कैन करना पड़ेगा, अगर आपको मोबाइल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आपको इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद इसका सॉफ्टवेयर आपको सर्च कर लेना है, इजी वीवर प्रो नाम का जो सॉफ्टवेयर है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आप अपने प्ले स्टोर से इजी वीवर प्रो का सॉफ्टवेयर ईजिली डाउनलोड करके डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करिए, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है, अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद SN स्कैन का ऑप्शन दे रहा है, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, तो सेटिंग के ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपका जो कैमरा है बैक कैमरा वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करना है आपको, अपना डिवाइस सीरियल नंबर जो है उसको स्कैन कर लेना है अपने कैमरे से। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वाइड कैमरे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद डिवाइस नेम पूछेगा यहाँ पे, तो आपको डिवाइस नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माई शॉप डाल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई डिवाइस नेम चुन सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम में एडमिन ही रहेगा, डिवाइस पासवर्ड यानी कि आपके DVR का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो जो भी आपने DVR का अपना पासवर्ड बनाया है तो उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना DVR का पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड डिवाइस और यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल यहाँ पे दिखाई देगा। तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपका कैमरा जो है लाइव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कैमरा कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए मैंने एक कैमरा कनेक्ट किया हुआ था, ये मेरा कैमरा ऑनलाइन हो चुका है और फ़ोन पे एक्सेस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसको डबल क्लिक करके बड़ा भी कर सकते हैं, और अगर आपको HD करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप HD भी कर सकते हैं। अगर कैमरे में आपके ऑडियो है तो यहाँ पे आप ऑडियो भी यहाँ से सुन सकते हैं। तो ये कैमरा ऑडियो वाला नहीं है जिससे यहाँ पे वॉइस आ नहीं रहा है, तो अगर आपका ऑडियो वाला कैमरा है तो यहाँ से आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जान चुके होंगे कि CCTV कैमरे को कैसे ऑनलाइन किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर दें लाइक। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपको।